न्यूज खबर वाराणसी। हाँ सर, अपना परिचय बताएं। सुमित स्वामी ऑर्गेनाइजेशन रास्ते। आज यहाँ पे किस तरह का खाद सामग्री बांट रहे हैं? आज ही नहीं, पिछले 3 दिनों से लगातार हम लोग बांट रहे हैं। जब तक ये छोटी सी जो संकट है हमारे सामने यह दूर नहीं हो जाती है, तब तक हम सब अपने भाइयों बहनों को इसी तरह से सेवा प्रदान करते रहेंगे। सर, देखा जाए तो इस समय कोरोना जैसी महामारी से पूरा भारत, पूरा विश्व परेशान है। हमें इस बीमारी से परेशान होने या विचलित होने की आवश्यकता ही नहीं है, हमें अपनी स्वच्छता और सफाई पर ध्यान देना है। अगर हम लोग खुद को सुरक्षित रखने का प्रयत्न करते हैं तो धीरे धीरे इस वायरस, इस बीमारी से हमारा देश नहीं पूरा विश्व मुक्त हो जाएगा। सर, लॉकडाउन पूरे भारत में लगा हुआ है, उसके बाद भी लोग आज भी रोड पे घूम रहे हैं, इसके लिए क्या कहना चाहेंगे? इसके लिए हम तो प्रशासन से ही निवेदन करना चाहेंगे कि ऐसे लोगों पर सख्ती बरती जाए जो कानून का उल्लंघन करते हैं। और साथ ही मैं अपने जिलाधिकारी महोदय से यह निवेदन करना चाहूँगा कि जो हमारी सामाजिक संस्थाएं इस क्षेत्र में बेहतर कार्य कर रही हैं, अच्छा कार्य कर रही हैं, उनका सहयोग हमारी प्रशासन करे, ताकि ऐसे हमारे भाई बहन जो दूसरे गांव से या दूसरे स्टेट से या दूसरे जिले से आकर के यहाँ फंसे हुए हैं, उनकी मदद हो सके। देखा जाए तो कालाबाजारी में डीएम साहब ने बहुत ही सादे बेस में जाके और बहुत बड़ी कालाबाजारी को पर्दाफाश किया है, इस पे क्या कहेंगे? इसके लिए हम आप अपने जिला अधिकारी महोदय का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे और समाज से यह गुजारिश करना चाहेंगे कि ऐसी कालाबाजारी बंद करें। किसी भी चीज के लिए कभी भी वो कोई भी स्टॉक जमा करके ना रखें। सारा सामान हमारे देश में उपलब्ध है, हमारे देशवासी पूरी तरीके से सुरक्षित हैं, अच्छे हैं। बस स्वच्छ रहें और अपने देश के प्रति, अपने समाज के प्रति अपना जो कर्तव्य है उसको अच्छे से निभाएं।